इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अगर पिछले पूरे हफ्ते का जायजा लिया जाए तो पता चलता है कि सियासी सरगर्मियों वाला रहा। एक तरफ बेलगाम लोकसभा को लेकर उम्मीदवारों का ऐलान अब तक नहीं हुआ, बेलगाम कॉरपोरेशन इंतखाबात का मुलतवी होना बेलगाम जिला में वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण की मुहिम को तेज कर रहा, और सबसे अहम जो रहा बेलगाम जिले वजीर रमेश जारकीहोली की सेक्सी के बाद का हंगामा, फिर इस्तीफा एहतजाज, कभी कांग्रेस पार्टी की जानिब से रमेश जारकीहोली के खिलाफ एहतजाज किए गए तो हिमायतों की जानिब से भी झूठे इल्जाम लगाकर बदनाम करने की कोशिश को लेकर एहतजाज किए गए। खासकर साबिक वजीर रमेश जारकीहोली के गांव गोकाक और बेलगाम शहर में ज्यादा असर रहा। गोकाक में तशद्दुद, दुकानों को, बाजार को बंद किया गया। वैसे जारकीहोली फैमिली का तसल्लुत पूरे गोकाक गांव में देखा जाता है और रमेश जारकीहोली का यह मामला कोई बदनामी और बड़े हादसे के तौर पर देखा गया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदर जनाब सतीश जारकीहोली और भालचंद्र जारकीहोली ने इस मामले की तफ्तीश की मांग की। वही एहतजाज के जरिए सीबीआई जांच की भी मांग की गई। खैर अब मामला पुलिस थाने पहुंच चुका है। खवातीन के हुकूक की तंजीम ने कहा है कि किसी खातून को नौकरी के बहाने अस्मत रेजी करना गलत है, लिहाजा सामाजिक खिदमतगार और नागरिक हक कोहराट के सदर दिनेश कलड़ी के खिलाफ भी कंप्लेंट दर्ज की गई है। बरौशनचर के ये चिंद्रा ने एक्टिविस्ट दिनेश कलड़ी के खिलाफ मुकदमा दायर किया हुआ है। साबिक वजीर आला और जेडीएस कायद कुमार स्वामी ने सामाजिक खिदमतगार दिनेश कलड़ी को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए तफ्तीश करने की भी बात कही। इस बात का जवाब देते हुए दिनेश कलड़ी ने कहा कि और भी लोगों की सीढ़ी होने की बात इन्होंने कही, जिससे कई सारे सियासी कायद खौफजदा होकर अदालत का दरवाजा खटखटाने लगे। अब यह मौजू ज़ेर बहस है कि आखिर कौन कौन लोग इन सीढ़ी में मौजूद हैं या किन लोगों को सीढ़ी मंजर आम पर आने का डर है। जाहिर है इससे दो बातें साफ हो जाती है, अगर सीढ़ी फर्जी है या इसे एडिट किया गया है इसका तो फैसला बाद में होगा। हो सकता है कि इस मामले में वो बरी भी हो जाए, पर बदनामी की कोई कीमत नहीं होती। लिहाजा रमेश जारकीहोली पर लगा दाग आसानी से धुलने वाला तो नहीं है। जो भी हो सियासी मुस्तकबिल सीढ़ी मामले की वजह से खतरे में जरूर आया। रमेश जारकीहोली के बाद और भी सियासी कायदों की करतूतों की सीढ़ी जल्द मंजर आम पर लाने की बात दिनेश कलड़ ने की है, जिसकी वजह से कई लीडर खौफजदा है और इन्होंने अदालत में फरियाद भी दाखिल की है कि दिनेश कलड़ी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये भी बड़ी ताज्जुब की बात है कि तकरीबन 6 सियासी लीडरों ने अदालत का दरवाजा थाम लिया है। अब शक होना लाजिम भी है कि यही 6 लीडर अदालत क्यों गए, ऐसा सवाल अवाम की जानिब से किया जा रहा है, पूछा भी जा रहा है। शिवराम हेब्बार, बीसी पाटिल, एसटी सोमशेखर, के सुधाकर, नारायण गौड़ा और बैराठी बसवराज, ये वही लीडरान है जिन्होंने कांग्रेस से भाजपा की गोद में बैठकर हुकूमत को गिरा। यहाँ एक और बात याद आती है कि जब इन्होंने बगावत कर भाजपा की गोद को चुन लिया था तब डीके शिवकुमार ने इन्हें असेंबली में मशवरा दिया था कि आप भाजपा में जा तो रहे हैं, याद रखना तुम्हारे सियासी वजूद को यही भाजपा खत्म कर देगी किसी साजिश को अंजाम देकर। क्या इसके पीछे खुद भाजपा ही है? ऐसी बातें भी अवाम में कही जा रही है। अवामी नुमाइंदों की अखलाकी जिम्मेदारी की भी है, अवाम जिन पर भरोसा रखती है क्या इनका यह बर्ताव सही है? अगर फर्जी है, साजिश है तो बात और है, अगर इसमें सच्चाई है तो इनका क्या। कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। अब इन 6 लीडरों को ही इतना डरने की क्या बात है? क्या वाकई इन्होंने गलत कामों को अंजाम दिया है जिसकी सीढ़ी बनी हुई है? फिर किस बात से डर कर अदालत में फरियाद ले खड़े हैं? अब इस मुख्तसर रोशनी उन बातों पर भी डालते हैं जिन्होंने इस महान काम को इससे पहले भी अंजाम दिया था। पहले सीढ़ी तो नहीं हुआ करती थी, पर कांड तो हर दौर में हुए हैं। 1973 में आरडी कित्तूर ने इस्तीफा दिया, देवराज हर्ष कैबिनेट में वजीर थे, यह पहला मामला था जिस पर इस तरह के इल्जाम लगाए गए थे। 2007 में एमपी रेणुकाचार्य दावणगिरी जिला से एमएलए थे, जिसने सरे आम एक खातून जो नर्स थी को चूमा था।
जिसकी तस्वीर अखबारों में वायरल हुई थी, लिहाजा मामला इतना बड़ा के इस्तीफा देना पड़ा। फिर 2008 में इन्हें येडियुरप्पा हुकूमत में वजारत दी गई, अब बतौर सेक्रेटरी येडियुरप्पा के करीबी है। 2010 में इसी येडियुरप्पा हुकूमत में हड़ताल हल्लप्पा को इस्तीफा देना पड़ा। हड़ताल हल्लप्पा के दोस्त ने अपनी बीवी पर अस्मत रेजी का इल्जाम लगाया। आखिर इस मुकदमे का फैसला 2017 में हुआ। 2012 फरवरी में असेंबली के फहश फिल्मों को देखते वक्त लक्ष्मण सऊदी की खबर मुल्की सतह पर सुर्खियों में रही। अब यही लक्ष्मण सऊदी नायब वजीर आला रियासत कर्नाटक है। कृष्णा पालेमर और सीसी पाटिल भी इसी मामले में पकड़े गए, जो अब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है। लिहाजा सिर्फ पालेमर को 4 साल बाद मुजरिम साबित हुए, जिन पर वीडियो शेयर करने का इल्जाम था। बाकी दो को तो क्लीन चीट दी गई। भाजपा के ही 2013 में रघुपति भट्ट की सीढ़ी मंजरेआम पर आई, जिसे मीडिया में खूब चर्चा हुई। 2015 में ही भाजपा के यसे रामदास का मामला सामने आया। खातून ने इस पर मुकदमा भी दर्ज किया। इसके बाद रामदास ने खुदकुशी की कोशिश की, तफ्तीश के बाद बरी हुए। 2016 में कांग्रेस हुकूमत सिद्धरामैया के दौर में एचवाई मेटी की सेक्सीडी मंजरेआम पर आई। 2017 में मेटी को भी क्लीन चिट दी गई। तकरीबन 30 सेकंड की सीडी को मीडिया में दिखाया गया। 2019 में मौजूद फॉरेस्ट मिनिस्टर अरविंद लंबावड़ी की वीडियो पर भी तबसरे और चर्चा हुई। बाद में इन्हें भी क्लीन चिट दी गई। अब तमाम मामलों को देखने के बाद कई सवाल सामने आते हैं कि क्या यकीनन साजिश होती है, या फिर रिपोर्ट को सियासी रुसूख के जरिए बदल दिया जाता है या दबा दिया जाता है। जो भी हो, सियासतदानों की करतूतों की तवील फहरिस्त है, जिस पर आवाम को संजीदगी से सोचना होगा। आखिर अवामी नुमाइंदे अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं या फिर अय्याशी के आदि हुए हैं। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह।